लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बुधवार को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि इरफान खान की मौत से 5 दिन पहले उनकी मां का निधन हुआ था, लेकिन वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं जा सके थे। उनका परिवार इस गम को भुला पाता उससे पहले ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इरफान खान अपनी मां की मौत पर कुछ दिन बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। इरफान खान अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरे किए बिना इस दुनिया को अलविदा कह गए। बता दें कि इरफान खान लंबे समय से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। उन्होंने इलाज भी करवाया लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। इरफान खान की मां ने निधन से पहले कहा था कि वह चाहती है कि उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए और मौत से जंग जीत कर लौटे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इरफान खान अपनी मां की मौत के बाद उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए और उनकी मां की दुआ कबूल नहीं हुई कि उनका बेटा ठीक हो जाए। इरफान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मां को अंतिम विदाई दी थी।